पवित्री माता मंदिर पहुंच चुके हैं गेट पे। यहाँ से अब चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आपको सामने सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, फाउंटेन बना हुआ, अभी चल नहीं रहा। सो स्टेयर्स आर लाइक दीज। सो तीन तीन स्टेयर्स का जर्नी यहाँ पे सेट बना हुआ अब तक, तो फिर थोड़ा सा चलना पड़ता है कि एकदम सारी स्टेयर्स ना चढ़नी पड़े। टोटल 930 स्टेयर्स हैं यहाँ पे, 930। तो अब देखते हैं कि कितने हेल्दी हैं हम भी। हम वो नीचे से आ रहे हैं और यहाँ पे रोपवे है जो आजकल चल नहीं रहा है ड्यू टू सम इशू, बट ये ऊपर तक लेके जाता है वहाँ। तो अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो नंबर ऑफ स्टेयर्स इंक्रीज हो गया है। अब ऐसे पांच पांच सीढ़ियों का सेट बना हुआ है चढ़ने के लिए। तो इस तरह का व्यू है अभी। हम वहाँ नीचे से कहीं से चढ़ते हुए आ रहे हैं। 100 स्टेयर्स वी हैव कवर्ड। तो अभी थोड़ा सा और जाना है बस। दिस इज मैजेस्टिक व्यू ऑफ पुष्कर फ्रॉम हियर। तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से ये पुष्कर लेक दिख रही है, ये। और इस पुष्कर लेक के आसपास ये घाट बोलते हैं इसको, घाट पे जो कुछ भी है सारे मंदिर ही हैं। ब्रह्मा टेम्पल भी यहीं पे है। तो अभी ये मंदिर का गेट है जहाँ से मैंने को सीढ़ियाँ दिखाई, पहले हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया है। एंड इट इज़ नॉट स्ट्रेट, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द रूट कवर किया है। बट देखिए मज़ा बहुत आ रहा है। और अभी जो बाकी की सीढ़ियाँ देख के सांस भी फूल रही है कि अभी और चढ़ना है, बट इट इज़ ओके। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं ये बोलूँगा। आराम आराम से चढ़ते रहो तो मुश्किल से हाफ एन आवर का रास्ता है ये, 930 स्टेयर्स। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ी जा रहे हैं एंड वी आर गेनिंग हाइट, वैसे वैसे व्यू बहुत सुंदर हो रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं एक वाटर बॉडी यहाँ पर दिख रही थी पुष्कर लेक, उसके अलावा यहाँ पे भी एक पॉन्ड बना हुआ है, ये देखिए आप। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर से। तो अभी हमें कुछ ऐसे रास्ता घूमते 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 कुछ ऐसे साम सीढ़ी खेलते वहाँ तक पहुँचना है। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टेप हो गए हैं और पूरा मंदिर का गेट ऑलमोस्ट देयर। तो एनर्जी आ गई है वापस। एक भाई साहब यहाँ पे भी बैठे हैं कंफर्टेबली, बिल्कुल एज पे ट्री के। तो मंदिर के गेट तक पहुँच चुका हूँ। ये हम कर गए एंटर प्रमाइसिस मंदिर की। जय माता दी। तो अभी यहाँ से वहाँ तक जाना है, वो माता का मंदिर है। क्वात्रा सर एज ऑलवेज एनर्जी दिखाते हुए पहुंच गए हैं। ये है जी सावित्री माता टेंपल। टेंपल के अंदर मुझे लग रहा है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। 930 स्टेयर्स चढ़ के हम इस मंदिर तक पहुँचते हैं और ये थोड़ी सी स्टेयर्स रह गई हैं विच वी वुड बी टेकिंग नाउ। है जी सावित्री माता टेंपल। यहाँ पे माता के दर्शन करने के बाद बाहर आ गए, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम ये बाहर आ गए हैं और मंदिर से ये व्यू देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। निकल चुके हैं तो वापसी की तरफ जा रहे हैं। टेंपल के बाहर ही देयर इज़ अ शॉप, मैंने वहाँ से एप्पी परचेज की। अब पानी की बॉटल तो ख़त्म हो गई तो वापस उतरना इजी है। तभी शुरू कर दिया उतरना, वहाँ नीचे तक जाना है। तो अब तो मुझे लग रहा है कि इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स और सो। वापसी के ऊपर फटाफट उतर रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ वे हमने कर दिया
एंड हमें 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से इस हाफवे को करने के। और यहाँ पे बहुत सारे ये लंगूर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये रहे, यहाँ पे भी हैं। तो जर्नली अगर आपके हाथों में कोई पैकेट है ना तो दे जर्नली गेट अट्रैक्टेड। और ये पानी पी रहे हैं, देखो, दे जर्नली गेट अट्रैक्टेड और ये आपकी तरफ भागते हैं। फिर क्वात्रा सर मेरे साथ चढ़ के ऊपर से आया, सर कैसा लगा जी? सर ने थम्सअप दे दिया, मतलब ठीक था, अदरवाइज 7 जगह रुके गए रास्ते में, नंबर काउंट दे रहा हूँ, टोटल 7 पॉइंट्स में उन्होंने हॉल्ट लिया, लेकिन उतर तो नहीं रुके, भाग रहे। तो हम ऑलमोस्ट उतर आए, मंदिर तो अब काफ़ी दूर दोबारा दिखना शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पे बीच में थोड़ी सी बैठने की जगह बनी हुई है, ये पहली ब्रेक है हमारी उतरते हुए, इसका बहुत थोड़ा सा रह गया, इट विल टेक लाइक 2-3 मिनट्स मोर और हम नीचे उतर जाएंगे। सो अगर मैं टोटल पूरे इस ट्रिप की बात करूँ, नीचे से मंदिर तक जाना वापस आना, एट दी मैक्स आपको 1.5 आवर लगेगा मैक्सिमम, इससे कम लग सकता है, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, और वो भी उस केस में जब हमने कुछ 7-8 ब्रेक्स ली हो चढ़ते हुए, और वो ब्रेक अगर 1-1, 2-2 मिनट की हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा है, ऊपर से व्यू बहुत सुंदर है, मंदिर जाके आपको अच्छा लगेगा, कोई रश नहीं है, और बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी सीरीन ब्यूटी फ्रॉम देयर। तो हाईली रिकमेंडेड, अगर आप पुष्कर में आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाइए, और अगर तो ये रोपवे चल रहा है तो रोपवे के थ्रू जाइए, मैं ये सजेस्ट करूँगा, और एक तरफ से पैदल उतरिए, पैदल चढ़िए, रोपवे से वापस आएँ, कम्प्लीटली योर कॉल, बट ये दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हम सिर्फ एक ही कर पाए, हम सिर्फ दोनों तरफ सीढ़ियों से ही गए हैं और उतरे हैं, रोपवे इज़ नॉट वर्किंग, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।